हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो पे मैं अपना बहुत पुराना शौक दिखाऊंगा आपको, पिजन्स का शौक। कबूतर नियर अबाउट मैं मोर देन 15 इयर्स से अपने घरों पे रखते आ रहा हूँ। पहले मैं थोड़े एग्जॉटिक वाले रखता, जैसे ये जो वाइट वाली है ना, वो जो आप देख रहे हैं, हाँ वैसा वाला, जिसका थोड़ा पाँव में फेदर्स होंगे, सर के पीछे जो फेदर्स है वो थोड़ा टर्न होगा, कलर अच्छे वाले होंगे। एक ये जो आप देख रहे हो मतलब ब्लैक में थोड़ा वाइट मिक्स है, ये थोड़ा अच्छा ब्रीड का है। बस ये दो, एक दो अच्छे ब्रीड के हैं मेरे पास, बाकी सब ऐसे ही नॉर्मल वाले हैं। तो पहले मैं रखता था उनको अच्छे से केज बना के, अभी तो ऐसे ही नॉर्मली ऐसे जो भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके अंदर में ये रह जाते हैं, होल्स वगैरह दिख रहे उसी के अंदर में ये लोग अंडे वगैरह ले कर देते हैं। तो कबूतर जिसको भी मतलब पेट का स्टार्टअप मतलब स्टार्ट करना है बर्ड्स में स्पेशली, तो वो पिजन रख सकता है, क्योंकि पिजन साउंड बिल्कुल नहीं करेंगे ज़्यादा, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, और बेसिक खाना उनका कुछ आपको कुछ मल्टी विटामिन ये वो तो जो रेस के लिए रेडी करते हैं वो करते हैं, जो नॉर्मल घर में रखना चाहते हैं वो नॉर्मल भी रख सकते हैं। ब्रीडिंग प्रोसेस भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, और दो ही अंडे ले करते हैं या फिर एक करेंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो ये जो देख रहे ये पैर है, ये मेल जो है वो थोड़ा अच्छा ब्रीड का है, मतलब मेरे एक दोस्त है हैदराबाद से, उसने मुझे भेजा था। एक फीमेल जो है ये नॉर्मल वाली है। सो ये मोस्टली मेरा ज़्यादा दूर फ्लाई भी नहीं करेंगे, आप इनको खोल के छोड़ेंगे घरों पर ऐसे ही बाउंड्री पर बैठे रहेंगे, बस उनको बस खाना और पानी चाहिए, आप खाना और पानी दे दो वो घर ही में रहेंगे, वो ज़्यादा दूर भी नहीं देंगे। पिजन्स के बारे में एक चीज़ अच्छा है ना, वो ज़्यादा दूर जाएंगे तो वो वापस आ भी जाएंगे। तो जब मैं पहले स्टार्टिंग में पिजन रखता था ना, तो उसका एक माइथोलॉजिकल रीज़न भी है और एक हिस्टोरिकल रीज़न भी है। माइथोलॉजिकल रीज़न ये है कि बोलते हैं कि कुबेर जी का जो वाहन है वो पिजन था, और हिस्टोरिकल रीज़न ये है कि इसमें चिट्ठियाँ वगैरह भेज सकते हैं। तो माइथोलॉजिकल रीज़न तो मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, बट हिस्टोरिकल है, चिट्ठियाँ वगैरह, मैं और मेरा दोस्त हैं, सो हम वी यूज़ टू ट्रेन दिस बर्ड्स, और उसके घर पे मतलब आपको सिंगल रखना पड़ेगा। सो अगर उसके घर से छोड़े हुए तो वो यहाँ आएंगे, ये देखो इसके अंदर में ना ये मतलब ले कर देते हैं, इनको जहाँ भी जगह मिले मतलब होल्स वगैरह ये वहाँ पर आराम से कम्फर्टेबली ब्रीडिंग कर सकते हैं। इनको कुछ पर्टिकुलरली आपको कुछ बॉक्स वगैरह देना ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है, ये जहाँ भी कंफर्टेबल फील करेंगे वो अपना ब्रीडिंग चालू कर देंगे। बहुत ही इजीली टेम बर्ड्स हैं पिजन, और ऑल ओवर एवरी मीन्स कंट्रीज़ में अलग अलग तरह के पिजन्स होंगे, किंग पिजन है, फैन टेल है, नॉर्मल है, और एक रेसिंग पिजन्स आते हैं। ये देखिए ऐसा पहले मैं रखता था, अभी फ़िलहाल ये दो ही मतलब बॉक्सेस है, ये फलों के पेटियाँ हैं, ईज़िली आपको फ्रूट स्टोर्स में अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आप कारपेंटर को बोल के बनवा भी सकते हो, ऐसा दो बना के आप रख दो, ये लोग इसी के अंदर में एग ले कर लेंगे, कंफर्टेबली रहेंगे, दो बर्ड्स के लिए एक बॉक्स कंफर्टेबल है। जैसा मैंने बोला था ना, ये इन्हीं के अंदर में देखो ब्रीडिंग भी करना चालू कर दे एक, सो वो अच्छा वाला जो हैदराबाद से आया था उसका, और ये नॉर्मल वाला पिजन्स का ब्रीडिंग स्टार्ट हो गया है। हाँ, दो बच्चे दिए उन्होंने, और बच्चे भी अच्छे, मतलब थोड़ा सा कंजेस्टेड है प्लेस, बट फिर भी ग्रो कर रहे अच्छे से उनका, मतलब अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है, बच्चे भी अच्छे कलर में भी आए हैं, ब्लैक और वाइट मिक्स में आए हैं। अब देखते हैं ये कितना मतलब अच्छा ग्रो करते हैं। सो बहुत ही ईजी है इनको, ज़्यादा कोई टफ नहीं है इनका ब्रीडिंग, मतलब अदर बर्ड्स कंपेरिजन टू अदर बर्ड्स ना इनका ब्रीडिंग बहुत ही मतलब ईजी है। देखो ये कहीं भी मतलब इजीली ब्रीड करना चालू कर देंगे, इजीली मतलब सेट भी हो जाते हैं, मतलब अगर आप दूसरे बर्ड्स को देखोगे तो अगर आप उनको सेपरेट कर दोगे तो फिर दूसरे बर्ड्स के साथ वो पैर सेट करने में बहुत टाइम लगता है, बट इनका वैसा नहीं है, ये जल्दी सेट भी हो जाते हैं इजीली, और ज़्यादा स्पेस नहीं, हाँ थोड़ा अगर आप इसको कम जगह पर रख रहे हो ना तो आपको मतलब थोड़ा इनको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट टू हैन, मतलब आप अगर घर में चिकन वगैरह मुर्गे वगैरह रख रहे हो तो बस ये उनका स्मॉलर वर्जन आप ले सकते हो। कलर्स बहुत खूबसूरत कलर्स में आएंगे, आप अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराओगे वाइट के साथ दूसरा कलर तो बहुत अच्छा ब्रीड्स में आएंगे। ये देखो जैसा मैंने बोला था ना, एक पेटी में दो रह सकते हैं, तो ऐसे ये आते हैं उड़ते हैं अपना, आएंगे बैठेंगे और बाहर चले जाएंगे खाना वाना के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। सो ज़्यादा कुछ टेंशन वाला बात नहीं, बस ये देखो ये वाइट वाली, सो ये वहाँ अंदर में इसने अपना ब्रीडिंग चालू किया है, ये उसका मेल है ऊपर में जो है। सो पता नहीं इनके बच्चे कैसे आएंगे, वाइट में और ब्लैक में मिक्स आएंगे। सो यही है दो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए पेट के।